मित्रों एक बार फिर नारायण क्लासेज बायोलॉजी नीट एंड अदर एग्जाम में मैं डॉक्टर आशीष कुमार तिवारी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कोशिका चैप्टर का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः झिल्ली का तंत्र। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो जंतु कोशिका है इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और जो पादप कोशिका है उसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल होती है। इसके अंतर्गत जो भरा हुआ द्रव है प्रोटोप्लाज्म, उसी का एक भाग साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंगक हैं जो झिल्लियों से बद्ध रहते हैं, बंधे होते हैं। उन्हीं के बारे में आज का ये वीडियो है, अंतः झिल्ली का तंत्र। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ईच ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गनेल्स इज डिफरेंट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ईच ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, प्रत्येक झिल्लीबद्ध कोशिकांग इज डिफरेंट, ये भिन्न प्रकार का होता है इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के रूप में और फंक्शंस कार्य के रूप में, कि जो झिल्लीदार अंगक हैं ये कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अगला पॉइंट है, मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। विकास बहुत सारे
ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं एक साथ में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अंतः झिल्लिका तंत्र में, क्योंकि दियर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड इसमें बहुत सारे ऐसे झिल्ली युक्त अंगक है जो एक दूसरे के साथ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अंतः झिल्लिका तंत्र में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य है वो एक दूसरे के सहयोग से चलता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर से भी संबोधित करेंगे, गाल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है अंतः झिल्लिका तंत्र है इसमें शामिल किया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं अंतरद्रव्यी जालिका। गाल्जी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं गाल्जी काय, लाइसोसोम लयन काय और वैक्यूल्स रिक्तिकाएं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो अंतः झिल्लिका तंत्र है इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अंतःद्रव्यी जालिका को, गाल्जी काय को, लयन काय को और रिक्तिकाओं को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है, द फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑक्सीसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट विथ द एबव।
कंपोनेंट। ये पॉइंट क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ कार्य किसका, माइटोकांड्रिया का, जिसको हम सूत्र कणिका कहते हैं, सूत्र कणिका, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और पराक्सीसोम, पराक्सीसोम, इनके जो कार्य हैं सूत्र कणिका के, हरित लवक के और पराक्सीसोम के, आर नॉट कोऑर्डिनेट, ये एक दूसरे से सहयोगी नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं, इसलिए ये अंताझिल्लिका तंत्र में नहीं आते हैं। ये भी पॉइंट नोट करेंगे। दीज आर नॉट, ये दीज शब्द आया है माइटोकांड्रिया के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए, पराक्सीसोम के लिए। दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकांड्रिया, हरित लवक और पराक्सीसोम ये कंसीडर्ड नहीं किए जाते अंताझिल्लिका तंत्र के। अब इसके बाद हम लोग एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला कोशिकांग हमने लिया है अंतरद्रव्यी जालिका, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतरद्रव्यी जालिका। ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। पॉइंट देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क, आर रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क होता है रेटिकुलम का, एक जाल होता है जो टिनी छोटी नलिकाओं से बना होता है, ट्यूबुलर नलिकाएं हैं, एक ऐसी संरचना है जो चपटी और छोटी नलिकाओं से बनी हुई है, कहां साइटोप्लाज्म में, कोशा द्रव्य में, और दैट इज कॉल्ड
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का तात्पर्य है कि ये छोटी चपटी नलिकाओं से बनी हुई संरचना है जो कोषाद्रव्य में पाई जाती है और इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतरद्रव्यी जालिका कहते हैं। अगला पॉइंट है के आर पोर्टर वैज्ञानिक का नाम है। के आर पोर्टर इन 1948 फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड दिस। के आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1948 में पहली बार इस सूक्ष्म रचना के बारे में जानकारी दी, या कह सकते हैं कि के आर पोर्टर ने अंतरद्रव्यी जालिका की खोज की। अगला पॉइंट देखेंगे द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन सोज। राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस इसको पहले समझ लेते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो अंतरद्रव्यी जालिका है ऑफन प्रायः सोज दिखती है। राइबोसोम एक अंग की ये भी है अटैच्ड जुड़े होते हैं इनकी आउटर सरफेस बाहरी सतह पर। प्रायः यह देखा जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं और ये जो राइबोसोम जुड़े रहने वाले अंतरद्रव्यी जालिका है इनके बारे में कहना है कि द ईआर ईआर का मतलब वही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वियरिंग जो धारित करती है धारण करती है राइबोसोम्स ऑन देयर ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा अंतरद्रव्यी जालिका जो राइबोसोम को धारित करता है अपनी बाहरी सतह पर उसको रफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब खुरदरी, जिसकी सतह चिकनी नहीं है, अंतरद्रव्यी जालिका। कही जाती और इसको अंग्रेजी में आर ई आर भी बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पॉइंट इन्हीं के बारे में, इट इज मेनली मेड ऑफ सिस्टर्नी, एंड ए फ्यू ट्यूब्यूल्स। इट इज मेनली मेड ऑफ, ये मुख्यतः बनी होती है सिस्टर्नी से, और कुछ नलिकाओं से। अगला पॉइंट देखेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने देखा कि जो अंतर्द्रव्यी जालिका अपने बाहरी सतह पर राइबोसोम को धारित करती है वो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। इस पॉइंट में देखेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अनुपस्थिति में जिन अंतर्द्रव्यी जालिकाओं में राइबोसोम अनुपस्थित होता है वो दिखाई पड़ती है स्मूथ चिकनी, और इनको कहा जाता है चिकनी अंतरद्रव्यी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर इसको शॉर्ट में कहते हैं, एस ए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी आंतरिक संरचना, जिसको कहेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, वास्तव में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो विभिन्न प्रकार की थैलियों से नलिकाओं से बना हुआ तंत्र है, और इसमें
ईआर इज कंपोज्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप स्ट्रक्चर, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बना होता है तीन प्रकार के संरचनाओं से। पहला है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी क्या है, सैक लाइक, फ्लैटेंड अनब्रांचेड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी है ये सैक लाइक, सैक कहते हैं थैली को, थैली की जैसी, फ्लैटर्ड चपटी, अनब्रांचेड अशाखीय, इसमें किसी प्रकार की कोई ब्रांच या शाखा नहीं होती और इस संरचना को कहते हैं सिस्टर्नी। दूसरा है स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसिकल, इट फिल्ड विथ सेक्रेटरी सब्सटेंसेस, दूसरे प्रकार का जो छोटे राउंडेड गोल या अंडाकार कह सकते हो, अंडाकार, ये ऐसी संरचनाएं हैं जो गोल है या अंडाकार है, छोटी है, कही जाती हैं वेसिकल, और वेसिकल का अर्थ होता है थैलियां। ये छोटी थैलियां हैं, इट फिल्ड, जो भरी होती हैं किससे, विथ सेक्रेटरी, स्रावित होने वाले पदार्थ, जो निकलते हैं ऐसे पदार्थ से भरी होती हैं, गोल या अंडाकार संरचना होती है, इनको थैलियां कहते हैं। और तीसरा नंबर है ब्रांचेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर,
ये शाखा युक्त नलिकाएं हैं, इनमें शाखाएं पाई जाती हैं, शाखा युक्त नलिकाएं हैं जो केंद्रक के पास से निकल करके जालिका बनाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर द्रव्यी जालिका के कार्य, और ये विभिन्न कार्य करती हैं जिनमें नंबर वन है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड एक्ट एज इंडो स्केलेटन और साइटो स्केलेटन ऑफ सेल। इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करती है यांत्रिक सपोर्ट, और एक्ट कार्य करती है यांत्रिक सपोर्ट करती है, सहायता करती है, क्या बनाती है इंडो स्केलेटन अंतः कंकाल, या इसी को कहते हैं कोशा कंकाल, कोशा कंकाल। ये कोशिकाओं को मजबूत बनाती है, उसका अंतः कंकाल बनाती है और यांत्रिक सपोर्ट करती है। दूसरी चीज है नंबर दो पर इसका है ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसलोकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, स्थानांतरण ऑफ मटेरियल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है बाय डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा बिटवीन किसके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करती है, ये विसरण के द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच ले जाती है, किससे कोशा द्रव्य में जो है और जो केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य के पदार्थों और कोशा द्रव्य के पदार्थों के बीच विसरण के द्वारा ये पदार्थों का स्थानांतरण करती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे इसका
वेरियस सेल ऑर्गेनल, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आर केप्ट इन देयर पोजिशन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरियस विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग आर केप्ट धसे हुए कह सकते हो या बंधे हुए कह सकते हो। बंधे हुए होते हैं वो अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से, वो एक स्थिति से बंधे होते हैं किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और एक पॉइंट देखते हैं, माइक्रोबॉडीज ये सूक्ष्म रचनाएं हैं, सूक्ष्म रचनाएं कॉल्ड स्पोरोसोम्स, जिनको स्पोरोसोम्स कहते हैं, आर फॉर्म्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो सूक्ष्म रचना स्पोरोसोम है ये बनती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर द्रव्यी जालिका के द्वारा, एस ई आर के द्वारा। ये सूक्ष्म रचना स्पोरोसोम बनती है वाइल आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एसोसिएशन विथ गाल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू लाइसोसोम। यहां तक कि जो खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गाल्जी काय के साथ मिल करके लाइसोसोम को बनाती है। दो पॉइंट और हैं, उसको देख लेते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, पहला है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली
एब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। ये जो प्रोटीन का संश्लेषण है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको RER भी बोल सकते हैं, RER, जो प्रायः देखी गई है कोशिकाओं में एक्टिवली बहुत ही सक्रिय होती है, इन्वॉल्व शामिल इन प्रोटीन सिंथेसिस निर्माण में एंड सेक्रेशन श्रावण में। श्रावण और प्रोटीन के निर्माण में RER सक्रिय भाग लेती है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये प्रायः दिखाई देती है कंटिन्यूअस रूप में निरंतर विथ द आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली किसकी, केंद्रक की, केंद्रक की बाह्य सतह पर ये प्रायः दिखाई देती है। दूसरी चीज है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन का संश्लेषण, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड का निर्माण, द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये जो SER है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतरद्रव्यीय जालिका, ये मेजर साइट है, स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक पॉइंट है, इन एनिमल सेल
जंतु कोशिकाओं में लिपिड लाइक स्टेराइडल हार्मोन आर सिंथेसाइजिंग एस ई आर ये जंतुओं में जंतुओं की कोशिकाओं में लिपिड के जैसे स्टेराइड हार्मोन हार्मोन का एक प्रकार है। हार्मोन्स वैसे तो प्रोटीन के बने होते हैं लेकिन स्टेराइड पदार्थों के भी बने होते हैं। तो लिपिड लाइक स्टेराइड हार्मोन आर सिंथेसिस बनाए जाते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।